हेलो सूर्या टूरिज्म टिप्स फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, कोविड जैसी बीमारी से बच के रहें, वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाएं, साथ आप जहां भी पब्लिक प्लेस में जाएं मास्क ज़रूर उपयोग करें। साथियों आज बात करेंगे मलेशिया की। मलेशिया के लिए साथियों बेहतरीन गुड न्यूज़ लेके आया हूँ, प्लांटेशन वीज़ा को लेके और कंस्ट्रक्शन वीज़ा, ये वीज़ा कब चालू होने वाला है और कौन कौन से वीज़ा चालू हो गए हैं और कितने जो है बम्फर धमाका निकला है, कितनी जो है मलेशिया गवर्नमेंट अभी वीज़ा इशू करेगी प्लांटेशन की, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चैनल जो है साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आप अपना कीमती टाइम दे रहे हो और कीमती टाइम दे रहे हो तो उसका प्रॉपर सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। साथियों बात करेंगे आज मलेशिया के बारे में। सबसे पहले तो अभी बात कर लेते हैं कि वहाँ के कोविड के क्या हालत है। साथियों मलेशिया के अंदर अभी कोविड की जो हालत है बिल्कुल नॉर्मल है। ओमिक्रॉन के बीच में जो है एक बार डर बन गया था कि यार सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ओपन है। साथ ही साथ साथियों ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर जो है फर्स्ट एंड सेकेंड डोज लगवा लिया है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है बूस्टर डोज भी लगने चालू हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को लग भी चुके हैं बूस्टर डोज, तो अभी जो है कोविड से कोई भी खतरा नहीं है। अब बात करते हैं कि यार प्लांटेशन वीज़ा की गुड न्यूज़ क्या है। साथियों मलेशिया गवर्नमेंट ने जो है प्लांटेशन के वीज़ा जो हैं ओपन कर दिए हैं, अभी प्लांटेशन के वीज़ा लग रहे हैं और ऑलरेडी मेरे पास वैकेंसी हैं। अगर आप प्लांटेशन वीज़ा में इंटरेस्टेड हो, जाना चाहते हो तो आप मुझसे बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अब बात करते हैं कि प्लांटेशन वीज़ा का कितने वीज़ा इशू कर रही है। साथियों मलेशिया गवर्नमेंट ने अभी जो अनाउंसमेंट किया है उसके अंदर 32,000 लोगों को जो है प्लांटेशन वीज़ा इशू किए जाएंगे। ये अभी इस मंथ है, ये 28 जनवरी से चालू हुआ है साथियों प्लांटेशन वीज़ा। तो इसके अंदर जो है कि 32,000 अभी वीज़ा इशू किए जाएंगे। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बिग न्यूज़ वो है कि कंस्ट्रक्शन लाइन के जो वीज़ा हैं, सर्विस इंडस्ट्री के जो वीज़ा हैं वो 15 फरवरी से जो है इशू कर रहे हैं। वो कुछ सेक्टर के जो वीज़ा है ऑलरेडी पहले भी लग रहे थे लेकिन बहुत कम लग रहे थे, लेकिन अभी जो है प्लांटेशन के 32,000 वीज़ा इशू किए जाएंगे। एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो 15 फरवरी से सभी वीज़ा जो हैं ओपन कर दिए जाएंगे। टूरिस्ट वीज़ा अभी भी कुछ जगह के दिए जा रहे हैं, कुछ जगह के नहीं दिए जा रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार के मलेशिया के वीज़ा की आपको हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कोटा भी है प्लांटेशन का, मेरे पास अभी 650 लोगों का जो है कोटा है। तो आप अगर मलेशिया जाना चाह रहे हैं तो साथियों बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी सैलरी भी अच्छी मिल रही है प्लांटेशन के अंदर और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और सेकेंड इम्पोर्टेंट ये है कि साथियों वीज़ा प्लांटेशन के हैं, अगर आप दूसरी जगह काम करना चाहो तो उसमें भी कंपनी की एनओसी हम दिलवा देंगे, आप दूसरी जगह भी काम कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि यार प्लांटेशन में सैलरी अच्छी नहीं मिलती लेकिन मेरे को वीज़ा चाहिए, मैं दूसरी जगह काम कर लूँगा, मेरा नॉलेज दूसरे फील्ड का है, तो आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास जो है हमने प्लांटेशन में जहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे हमने बात की है कि कुछ लोगों को ऐसे, तो हमने 650 में से हमारे पास 280 जो हैं 280 एनओसी हैं। अगर आप प्लांटेशन का वीज़ा लेके दूसरे कहीं काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पासपोर्ट जो है आपके पास ही रहेगा, पासपोर्ट भी किसी के पास नहीं रहेगा। तो साथियों मलेशिया वीज़ा को लेकर बेहतरीन न्यूज़ थी। तो ऐसी न्यूज़ का आप जानना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और मलेशिया वर्क वीज़ा के लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और साथियों ओमिक्रॉन से बच के रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। थैंक यू सो मच।